बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे चिकन मसाला बनाने की शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाला हूं। आज का ये चिकन मसाला अंदर से जूसी, मज़ेदार और बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम होगा। हमारे घरों में अक्सर चिकन की रेसिपीज तो बनती ही रहती हैं, लेकिन एक बड़ा मसला, बड़ा प्रॉब्लम ये बनता है कि चिकन अंदर से फीका फीका और ड्राई सा, खुश्क सा हो जाता है, जो कि खाने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। खाने वाले क्या करते हैं कि मसाला मसाला खा जाते हैं और चिकन की बोटियां साइड पे कर देते हैं। जनाब, आप मेरी इस रेसिपी को आज घर में इस तरीके से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। चिकन अंदर से जूसी बनेगा, जायकेदार बनेगा और मजेदार बनेगा। सादा से तरीके से बनाएंगे, लेकिन कमाल की रेसिपी तैयार होगी। तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम मजेदार, जूसी और मक्खन की तरह नरम मुलायम चिकन की ये रेसिपी। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार जूसी चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1000 ग्राम 1 kg चिकन लिया है। और चिकन चेक करें माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन है। अच्छी तरह से आपने चिकन को वॉश कर लेना है और चिकन की बोटियां आपने इस साइज की रखवा लेनी है। सबसे पहले हम चिकन को बिल्कुल बेसिक चीजों से मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच 2 टेबलस्पून पानी। सादा पानी है, ठंडा पानी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। पानी शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चुटकी अजवाइन, अजवाइन के दाने। आज से पहले आपने चिकन ऐसे बिल्कुल भी मैरिनेट नहीं किया होगा। अजवाइन के दाने शामिल करने से चिकन का फ्लेवर, मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाएगा और चिकन अंदर तक हमारा पक जाएगा। अजवाइन के साथ इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन मोटा कुटा हुआ, ये जाएगा 2 खाने के चम्मच। और याद रखें, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना, मोटा मोटा सा दरदरा सा पेस्ट आपने इसका रखना है। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप, वजन की बात करें 250 ग्राम 1 पाव दही शामिल करेंगे। दही भी आपने अच्छी क्वालिटी का शामिल करना है और दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे नमक का। 1 टीस्पून 1 kg में नमक मैरिनेशन में काफी होगा। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी अभी शामिल नहीं करना। अब इन तमाम चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि पानी, अजवाइन, अदरक लहसुन, नमक और दही अच्छे से चिकन की बोटियों के ऊपर लग जाए और चिकन इसमें मैरिनेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के बाद हमने इसको ज्यादा देर के लिए नहीं रखना। बस इतना से इसको रखेंगे, रेस्ट देंगे जब तक कि हमारा मसाला ना तैयार हो जाए। जी, चिकन को मैरिनेट हमने करके रख दिया है। अब चिकन के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त और जूसी सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। तीनों मसालों को आपने तकरीबन 40 से 50 सेकंड के लिए अच्छे से ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेना है, ताकि मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएं और मसालों की खुशबू एक्टिवेट हो जाए। मसाले अच्छे से हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज, 2 बड़े साइज के प्याज, वजन की बात की जाए तकरीबन 200 ग्राम। प्याज की कटिंग आपको वीडियो में नजर आ रही होगी, बिल्कुल बारीक बारीक सी आपने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज ना आपने चॉप करके शामिल करने हैं और ना ही प्याज का पेस्ट बना के हमने शामिल करना है। प्याज को आपने बिल्कुल ऐसे बारीक करके और हिलाते हुए ऐसे ऑयल के अंदर फ्राई करना है। हिलाना हमने प्याज को क्यों है कि ताकि प्याज हमारे इक्वली यहाँ पे ब्राउन हो जाए। प्याज को हमने ना डार्क ब्राउन करना है, ना ज्यादा ओवर ब्राउन करना है, बस हल्का सा हमने प्याज को यहाँ पे कलर देना है। चलिए जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, प्याज हमारे बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इससे ज्यादा हमने प्याज को नहीं पकाना। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च की कटिंग आपने बिल्कुल मोटी मोटी कर लेनी है। और साथ इसमें डालेंगे टमाटर, 3 से 4 टमाटर आपने ले लेनी है। और टमाटर की कटिंग भी आपने मोटे मोटे क्यूब्स में कर लेनी है। चिकन में थोड़े से टमाटर ज्यादा ही जाते हैं। टमाटर डालने से क्या होगा कि चिकन की खूबसूरती भी आएगी और चिकन हमारा
जूसी भी बनेगा। अब यहाँ पे हमने आपका फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है। टमाटर को और सब्ज मिर्च को तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने पकाना है। क्यों पकाएंगे टमाटर को? ताकि टमाटर का जूस अच्छे तरीके से पक जाए और टमाटर थोड़े से यहाँ पे नरम भी हो जाए। 6 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर के अंदर जो जूस होता है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे पक गया है। टमाटर आपने ज़्यादा नहीं गिलाने, गोश्त में ये अच्छे लगेंगे, गोश्त भी जूसी बनेगा। जब टमाटर इस तरह के आपके सॉफ्ट से हो जाए तब आपने इसमें चिकन शामिल कर देना है, जिसको हमने 3-4 चीज़ें लगा के पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आया है और चिकन भी अंदर तक जूसी हो गया है। अब हमने चिकन को अच्छे से एक दफा टमाटर के अंदर मिक्स कर देना है, ताकि टमाटर के अंदर चिकन मिक्स हो जाए और दही भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में ज्यादा चीजें हमें शामिल नहीं करनी। लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये जाएगा 1/2 टीस्पून। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 मसाले शामिल करने हैं। अब आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि दही भी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगा और हमने चिकन को जब मैरिनेट किया था थोड़ा सा पानी शामिल किया था और चिकन भी अपना पानी यहाँ पे छोड़ेगा। हम लोग गलती घर में क्या करते हैं कि पानी शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम चिकन को देर तक पकाते हैं। देर तक पकाने की वजह से चिकन अंदर से खोखला हो जाता है और बाहर से गल जाता है। ये गलती आपने घर में आज से बाद नहीं दोहरानी। हम क्या करेंगे, चिकन को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे दही और चिकन के पानी के अंदर ही पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से जब चिकन पकेगा तो यकीन करें चिकन अंदर से जूसी हो जाएगा, मक्खन की तरह नरम और मुलायम हो जाएगा। इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तकरीबन चिकन को यहाँ पे हम इस मसाले के अंदर दही के पानी के अंदर 15 से 18 मिनट पकाएंगे। लें जी, यहाँ पे हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त एक फ्रेश सी खुशबू आई है। आप चेक कर सकते हैं कि पानी अभी भी काफी ज्यादा है, मैंने एक कतरा भी पानी इसमें शामिल नहीं किया था। और मैंने नमक चेक कर लिया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने नमक और शामिल कर दिया था। अब अच्छे से एक दफा हमने चिकन को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आपका शेफ, आपका भाई इमरान उमर कैसे काम कर रहा है। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने, प्यारे व्यूअर्स ने अपने भाई के चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका जनाब खुले दिल से थैंक यू सो मच। अब इसमें 2 से 3 मसाले हम और शामिल करेंगे। पहला मसाला इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और साथ में सिर्फ थोड़ा सा कहले के 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इससे जो टेस्ट आना है ना जनाब, सोच है आपकी। और साथ इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे सब्ज मिर्च, बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज धनिया, ऑप्शनल है लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा। इससे क्या होगा कि टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू की तो जनाब बात ही ना करें। एंड पे जनाब इसमें हम शामिल करने वाले हैं खुश्क धनिया पाउडर, ये बिल्कुल पाउडर शेप में है और ये जाएगा तकरीबन 1/2 खाने का चम्मच, 1/2 टेबल स्पून। सारे मसाले यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे अच्छे से मसालों की भुनाई करनी है और चिकन की भुनाई करनी है। यहाँ पे आपके पास टोटली ऑप्शन है, आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर आप शोरबा बनाने चाहते हैं तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। चले जी, 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम करते हैं और चिकन को अच्छे से यहाँ पे भून लेते हैं। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें कितनी खूबसूरत लुक आई है, खुशबू की तो जनाब बात ही ना करें। जबरदस्त चिकन मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मिर्च मसाले यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह आपसे जनाब मिलेंगी बड़ी ही मजेदार जूसी सी फाइनल लुक के साथ। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें
चिकन मसाला कितना ही जूसी और मज़ेदार तैयार हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद, खुदा हाफिज़।